नागपुर क्राइम ब्रांच के एनडीपीएस ड्रग्स विरोध पथक ने दिनांक 10 जुलाई को एक बड़ी रेड की, जिसमें पुलिस ने आरोपी इब्राहिम खान, अकबर खान, शेख फारूक शेख, महमूद रिजवान खान, वाहिद खान, इन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे 250 ग्राम मेफेड्रिन जब्त कर लिया है। आगे की जाँच पुलिस कर रही है। नागपुर क्राइम ब्रांच की जो एनडीपीएस अमली पदार्थ विरोधी पथक है, इसने दिनांक 10 तारीख को एक बड़ी रेड की, जिसमें हमें तीन आरोपी मिले और जिनके पास से 250 ग्राम मेफेड्रिन, जिसे एमडी भी कहा जाता है, ये ड्रग बरामद किया गया, जिसकी कुल कीमत आज की कीमत अगर उसे मार्केट में देखी जाए तो कुल ये 25 लाख रुपए के करीबन इसकी कीमत है। इसमें आरोपी है इब्राहिम खान, अकबर खान, रहने वाला ये नंदनवन नागपुर, शेख फारूक शेख महमूद, आज़ाद कॉलोनी ताजबाग सक्करदरा, और तीसरा जो आरोपी है रिजवान खान वल्द वहीद खान, ये रहने वाला है सक्करदरा का। इन सब के पास में से ये टाटा इंडिगो वाइट कलर की इसमें ट्रैवल कर रहे थे। हमारी क्राइम ब्रांच को इसकी सूचना मिली और एक इन्होंने ट्रैप रचकर बेलतरोड़ी पुलिस स्टेशन की हद में इन्होंने इनको पकड़ा और इनके पास में से ये 250 ग्राम एमडी, जो कमर्शियल क्वांटिटी में एमडी है, इसको बरामद किया गया। और इसमें कलम 8(22)(29) एनडीपीएस एक्ट, इसमें हमने गुनाह दाखिल किया है पुलिस स्टेशन बेलतरोड़ी में और इसमें पुलिस पूरी आगे की छानबीन कर रही है। सजा है 10 साल से लेकर 20 साल तक इसमें सजा एनडीपीएस एक्ट में होती है अगर प्रूव हो गया तो हम लोग इसमें अभी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और भी देखते हैं, अगर इनका रिकॉर्ड अच्छा रहा तो इसमें और कुछ बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं, तो उसमें उसका भी हम लोग जायजा लेके कार्रवाई करेंगे। बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।